तो आज हम बनाएंगे बिना लहसुन और अदरक के छोले पुलाव। आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए या फिर लंच या डिनर के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन पे 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डाल देंगे और मैं इसमें 2 तेज़पत्ता डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जैसे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 10 से 12 यहाँ पे मैंने काली मिर्च ले लिया है और 1 इंच यहाँ पे मैंने दालचीनी ले ली। हम इसे फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा वाला प्याज ले लिया है जिसे एकदम बारीक कट कर लिया है और अब हम इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा टमाटर ले लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप काबुली चना डाल देंगे जिसे मैंने बॉईल कर लिया है नमक डाल के, और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अब चना भी फ्राई हो चुका है। मैं इसमें 1/2 ग्लास बासमती राइस डाल रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी राइस ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून गरम मसाला और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे उबलने देंगे। और अब ये उबलना शुरू हो गया है, हम इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे लो फ्लेम पे 15 मिनट्स के लिए ढक के पकने देंगे। और अब 15 मिनट्स हो चुके हैं, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे 15 मिनट्स के लिए और रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब 15 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस जो कितना अलग अलग बना हुआ है। अब इसे जितना देर रेस्ट के लिए छोड़ेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा बिना लहसुन और अदरक के छोले पुलाव बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।